हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया, इंडियन फूड विद प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बनाना केक। केक तो सभी को पसंद होता है, बच्चे हो या बड़े। तो आइए देखते हैं कि बनाना केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। बनाना केक बनाने के लिए मैंने ये दो बनाना लिया है, पके हुए बनाना है। मैंने दूध ले लिया है, जिसे मैंने पहले गर्म कर लिया है, फिर मैंने उसे ठंडा कर लिया है। गेहूं का आटा, इसे मैंने छान लिया है, छान के मैंने गेहूं का आटा लिया है। ड्राई फ्रूट्स, बादाम और किशमिश, आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। आधा कप तेल, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, फ्लेवर के लिए मैंने इलायची पाउडर लिया है, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और पिसी हुई चीनी। तो सबसे पहले बनाना केक बनाने के लिए बनाना को हम छील लेंगे। अब केला मैंने छील लिया है, अब हम इसे मैश कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमें इसे मैश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए केले को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें दूसरी चीजें ऐड करेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे ये आधा कप तेल, अब इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये सभी चीजें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें गेहूं का आटा ऐड कर देंगे। एक 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए ये इलायची पाउडर, 1/6 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा पहले मिल्क डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसे मिलाएंगे। अभी ये देखिए ये ठीक है, इसमें हम और मिल्क ऐड कर देंगे। ये केक जो है हमारा बहुत ही हेल्दी केक बनने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने गेहूं का आटा, केला, सारी चीजों का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लगातार चलाते हुए इस तरीके से अच्छे से हमें क्या करना है, मिक्स कर लेना है। सभी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। ये देखिए बैटर हमारा कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर हम स्टैंड डाल देंगे और इसे ढक देंगे। 5 मिनट के लिए ढक कर हम इसे गर्म कर लेंगे। किसी भी बड़े बर्तन से आप इसे ढक सकते हैं, मैं इसे कुकर के ढक्कन से ढक रही हूँ। अब 5 मिनट के लिए हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, इसे भी मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट बैटर बनके रेडी हो गया है। अब मैंने एक केक टिन ली है, इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डाल के चारों तरफ से हम इसे लगा लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं या सूखा आटा भी लगा सकते हैं इसमें। अब तेल को मैंने चारों तरफ से अच्छे से लगा लिया है। अब केक टिन में हम बैटर डाल देंगे। ये बैटर मैंने सब इसके अंदर डाल दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें केक का टिन रख देंगे। और इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे केक को हमें बेक करना है 45 से 50 मिनट के लिए।
फ्रेंड्स 10 मिनट होने के बाद हम केक का ढक्कन खोलेंगे और इसके ऊपर हम देखिए ड्राई फ्रूट डाल देंगे अभी। अब मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं केक पर, अब हम इसे फिर से ढक देंगे और ढककर हम इसे बेक कर लेंगे। फ्रेंड्स 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा अच्छे से फूल चुका है। एक टूथपिक की सहायता से हम केक चेक कर लेंगे पका है या नहीं। इसमें मैं एक टूथपिक डालूंगी, अगर ये साफ निकल आता है यानी केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, गैस हम बंद कर देंगे। अगर आपका केक बेक नहीं हुआ है तो आप इसे 5-10 मिनट बेक कर सकते हैं। अब केक ठंडा करने के लिए हम रख देंगे, फिर हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यह हमारा केक ठंडा हो चुका है, इसके किनारे हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे इस तरीके से। जब केक हल्का ठंडा हो जाए तब इसे निकालें, गरम निकालने पे वो निकलता नहीं आसानी से। अब ये एक प्लेट लेंगे, ऊपर इसको पलट लेंगे इस तरीके से और फिर ऐसे टैप करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये अभी आराम से हम इसे निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा केक बन के रेडी हो गया है और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। देखिए मैं इसे दबाकर भी दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट केक बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बनाना केक हमारा बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। इसे मैं देखिए आपको चाकू से कट करके दिखाती हूँ। बनाना केक है और बहुत ही हेल्दी केक है। इस केक को आप बच्चों को भी बनाकर खिला सकते हैं, बच्चे हो या बड़े कोई भी खा सकते हैं। और इसमें सारी हेल्दी चीजें डाली गई हैं, जैसे इसमें मैंने केला डाला है और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, मिल्क डाला है, तो इन सभी से मिलकर ये केक बना है। इस बनाना केक को आप जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।